सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल दे विच सभाईमान श्री अकाल तख्त साहब सच्चे पातशाह दे पावन पवित्र स्थान दे उते श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी अंदर कल श्री अकाल तख्त साहब जी दे स्थापना दिवस नूं समर्पित अज श्री अकाल तख्त साहब जी दी स्थापना दे पूर्व संध्या दे दीवान जिहड़े ने इत्थे सजे ने और सजे दीवाना दे विच गुरु परवाने गुरु बख्शे साजा दे नाल इलाही बाणी दा रागबद्ध कीर्तन घर दे कीर्तनियां ने सानू सुना के निहाल कीता। मैं श्री अकाल तख्त साहब जी दी स्थापना दिवस दीआं समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। आप सारिया संगतां ने वड्डी गिणती च हाजरियां भरियां, आप सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। रागी जथे जिन्हां ने गुरु के बख्शे गुरु के परवाने साजां दे नाल इलाही बाणी दा रागां दे विच कीर्तन सुनाया, मैं समूह रागी जथियां दा भी तहि दिलों धन्नवाद करदा। बाबा अमीर सिंह जी जिन्हां ने इस कीर्तन समागम लई सहयोग दिता है उन्हां दा उचेचे तौर दे उत्ते बहुत बहुत धन्नवाद। इसे तरह ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस जिहड़ा वह आ रहा है अगले महीने, जो तक श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाया जाना है। और अगला ये कीर्तन समागम जिहड़ा आप तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते सुनांगे, वाहिगुरु कृपा करे। एक बारी फिर समूह रबाबी जथियां का समूह संगत का सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दरबार साहब वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल अज का यह महान समागम जिहड़ा है वो किया गया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।